Hi friends, welcome to Commerce Can Mishra ji classes. And this is the lecture number 3 based on the chapter Emerging Modes of Business, which is one of the most important chapter of your class 11. So, aaj ka jo topic hai wo hai outsourcing. So, before we will start, it's a request, if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel. Let's we start. बात कर रहे हैं हम आउटसोर्सिंग का. सो आउटसोर्सिंग है क्या? अगर हम ध्यान दें कि एक इंसान से हम क्या करवा सकते हैं, तो उससे दो चीज़ हम करवा सकते हैं. एक तो नॉलेज बेस्ड और दूसरा उससे फिजिकली कुछ काम करवा लेना. तो नॉर्मली हम जो जानते हैं कि नो वन इज़ 100%, किसी न किसी तरह से किसी न किसी में कोई ना कोई कमी रहता है. ठीक उसी प्रकार जब एक मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, तो उस प्रोडक्ट के साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा अगर एग्ज़ाम्पल लें, अगर मान लो एक कॉलगेट बना रहे हैं, तो ऊपर के लिए एक पेस्ट को फिल करने के लिए मान लो एक क्या पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है. अब ये पैकेजिंग आइदर कंपनी तैयार करे या हो सकता है वो किसी और से बनवा ले. सपोज़ कि मैं मेडिकल मैन्युफैक्चरर हूँ एक कप सिरप का. ऐसे में जब मैं कप सिरप बनाता हूँ, तो आई विल फोकस ऑन वर्ड मेकिंग ऑफ कप सिरप. बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम उस सिरप को आखिर फिल कहाँ करेंगे, रखेंगे कहाँ, बेचेंगे किस में? तो क्वेश्चन उठता है, आंसर आता है कि भाई एक बॉटल होना चाहिए. अब ये बॉटल के लिए हम दो तरीका खोज सकते हैं. एक तो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के साथ उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट तैयार कर लें, मीन्स एक फुल क्या डिपार्टमेंट खोल लें जो सिर्फ बॉटल्स को तैयार करेगा, या हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को दे दें. सो अगर मैं खुद सेट करता हूँ अपना डिपार्टमेंट, तो ऐसे में क्या होगा, कॉस्ट विल बी हायर. बट अगर मैं किसी और से बनवा लूँ, तो कॉस्ट कम हो जाएगा. तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्टिंग आउट द नॉन कोर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस टू वर्ड टू एन थर्ड पार्टी विच में बी द आउटसाइडर. तो ये तो हो गया आउटसोर्सिंग के बारे में. अब आउटसोर्सिंग करके फ़ायदा क्या है? तो सबसे पहला, फोकस कोर एक्टिविटी. ये क्या करता है? कोर एक्टिविटी पे फोकस करने में हेल्प करता है. एक बिजनेस, जब कोई बिजनेस एक्टिविटी करता है, तो उसका एक्टिविटी दो भागों में बैठा हुआ आता है. एक कोर जो उसके मकसद से जुड़ा है. मान लो मैं कप सिरप तैयार कर रहा हूँ, तो हमारा जो मेन मकसद है वह कप सिरप तैयार करना, ये मेरा कोर एक्टिविटी है. बट जब बात करते हैं बॉटल्स का, तो वो मेरा कोर एक्टिविटी नहीं है, उसको हम नॉन कोर बोलेंगे. तो अगर मैं नॉन कोर किसी और से करवा लेता हूँ, देन आई डोंट हैव टू थिंक दैट साइड. सो बेनिफिट इज आई विल जस्ट फोकस ऑन द कोर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. दूसरा हो गया कॉस्ट रिडक्शन. हालांकि जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैं पूरा एक डिपार्टमेंट तैयार कर लूँ बॉटल्स तैयार करने के लिए, तो उसका सेटिंग अप कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा. सो बेटर यही है कि मैं किसी आउटसाइड एजेंसी से मंगवा लूँ, तो ऐसे में कॉस्ट रिड्यूस होगा. स्पेशलाइज परफॉर्मेंस. हम लोग जानते हैं कि अगर किसी एक काम को हम कंटिन्यूसली उसको बार बार करते हैं, तो वी विल गेट द स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टाइजेशन. सो बिजनेस एक्टिविटीज़ को या बिजनेसेस को एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलने लगता है? चूँकि वो कोर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे रहा है, तो उसको उसमें स्पेशलाइजेशन मिल जाता है. नंबर फोर्थ है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आउटसोर्सिंग होगा, तो बहुत सारे एजेंसीज खुलेंगे. अब एजेंसी खुलने से क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी. द बेनिफिट इज़ दे विल गेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. नंबर फिफ्थ इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब आउटसोर्सिंग का बात करें, तो कहीं ना कहीं क्या करता है, बूस्टअप करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, किसी भी इकोनॉमी का. अब यहाँ दो तरह के आउटसोर्सिंग को लेके चर्चा करेंगे. एक है BPO, दूसरा है KPO. BPO का मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो पहले मैंने बताया कि एक इंसान से फिजिकली कोई काम करवा सकते हैं या उसके नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं. तो जब हम किसी से कोई काम करवा रहे हैं अपने बिजनेस एक्टिविटी का, जो नॉन कोर एक्टिविटी पोर्शन, उसको जब हम करवा रहे हैं किसी से थर्ड पार्टी से, तो ऐसे
आउटसोर्सिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो देखो डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू गेटिंग द बिजनेस टास्क कंप्लीटेड थ्रू एन आउटसाइड एजेंसी। जैसे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो कॉल सेंटर, जो कि 70% रेवेन्यू बीपीओ का इसी एरिया से आता है, और ये 24/7 क्या करता है, लोगों को हेल्पफुल होता है। अब बात करें एरिया ऑफ ऑपरेशन का, तो बीपीओ का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट सेल और इन्फॉर्मेटिक्स। सो दिस इज अबाउट बीपीओ। अब बात करते हैं केपीओ को लेके। अब आ गए हैं नॉलेज बेस्ड पे। तो नॉलेज बेस्ड मीन्स वी विल यूज द स्किल ऑफ देयर व्हाट नॉलेज। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं एडुकेशनिस्ट होते हैं, मीन्स प्रोफेशनल्स होते हैं। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि किसी एक बंदे ने मेरे एक प्रोडक्ट पे क्या किया, कोई केस फाइल कर दिया। अब दो चीज़ हो सकता है कि एक लॉयर को मैं क्या करूँगा, सेपरेटली रख लूँगा, या हो सकता है कि उस लॉयर से जाके मैं बाहर कॉन्टेक्ट करूँ और बोलूँ भाई मेरा ये केस है, आप इसको सॉल्व कर दो। सो मोर इकोनॉमिकल कौन सा होगा? ऑब्वियसली मोर इकोनॉमिकल हो जाएगा किसी बाहर वाले से कॉन्टेक्ट करना। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी लॉयर को रखता हूँ, दैट मीन्स इज अ प्रोफेशनल पर्सन, ही विल डिमांड अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। तो मुझे वेदर देर विल बी एनी केस और नॉट, मुझे एक लमसम अमाउंट हर महीने पे उसे करना ही पड़ेगा। बट अगर हार्डली मान लो कोई केसेस आ रहा है मेरे बिजनेस से रिलेटेड, हार्डली साल भर में 2-3, तो ये तो बुद्धिमानी हुआ कि हम किसी और से ही वो काम, मीन्स किसी बार काउंसिल के मेंबर से, मीन्स किसी लॉयर से जा करके कॉन्टेक्ट कर ले, भाई मेरा जो भी केस आएगा आप देख लिया कीजिएगा, ठीक है। तो दैट विल बी मोर इकोनॉमिकल बिकॉज ही विल टेक द फी फॉर पर्टिकुलर केस ओनली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का? तो इट मीन्स आउटसोर्सिंग ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑपरेशन टू एन इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इट इज़ वन स्टेप एक्सटेंशन ऑफ बीपीओ, मीन्स बीपीओ का ठीक वन स्टेप एक्सटेंशन कहलाता है। अब इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है? सो बिजनेस ऑपरेशन सपोर्ट एंड मैनेजमेंट, पेरेंट रिसर्च सर्विसेज, डाटा एनालिटिक्स और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो दिस वाज द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज आउटसोर्सिंग, इट्स नीड, बीपीओ एंड केपीओ।